हम लोग पहुंचे थे अप टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड इसमें हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे तभी लेक्चर आउट हो गया। इसमें मेस में I1 I2 करंट थी एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिए थे। मेस वन में आपको करंट भी लिख दिए थे। अगर मेस टू की बात करें, एक सर्कुलेशन पूरा करना हो तो करंट इनटू वोल्टेज दो बार मिलेगा और एक बार आपको सेल मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 I2। मेस टू में अगर हम आए तो इन मेस टू आपको मिलेगा 20 I2 एंड ये मिलेगा 30 I1 प्लस I2। 30 I1 प्लस I2 एंड पूरे सर्कुलेशन में एक सेल मिलेगा, दैट इज 10 वोल्ट। टाइम की बात कर लीजिए, 20 में जो करंट I2 है और आपकी ट्रेवलिंग मैच जो है तो दिस इज पॉजिटिव। 30 ओम में जो करंट है और आपकी ट्रेवलिंग जो है इज मैच्ड, तो इट इज पॉजिटिव। 10 वोल्ट जो है का EMF और आपकी जो ट्रेवलिंग है इन दिस मेस, दैट इज मैच्ड। तो अगर मैच्ड है तो दिस इज पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा ये भी पॉजिटिव हो गया, जो जाएगा 30 I1, 30 I1 प्लस 50 I2 इज इक्वल टू 10। नाउ 10 से डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 3 I1 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 1। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। मेथ वन से आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू एक इक्वेशन मिला, मेथ टू से आपको इक्वेशन मिला। अब दोनों लीनियर इक्वेशन है, आप I1 एंड I2। तो अगर आप I1 और I2 सर्च कर लेते हैं तो उसके जैसे देखिए, यहाँ 30 I2 है, यहाँ 5 I2 है, इस इक्वेशन में 6 मल्टीप्लाई कर देते 6, तो ये 30 I2 मिलता और ये भी 30 I2। सब्ट्रैक्ट दीज, तो सब्ट्रैक्ट करते तो I2 कैंसिल हो जाता, तो आपको I1 मिल जाता। I1 वापस आके पुट कर देते आइदर हियर और हियर, तो आपको I2 की वैल्यू मिल जाती। और अगर I2 की वैल्यू मिल गई तो आप I1 प्लस I2 सर्च कर सकते थे कितना। नाउ 30 ओम में अगर आप I1 प्लस I2 को मल्टीप्लाई कर देते तो आपको वोल्टेज इन ए बी पता चल जाता। तो कल का ये क्वेश्चन था जिसका डिस्कशन बाकी था, उसको मैंने पूरा किया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल ले सर लेते हैं। हाँ बोलिए। सर सर क्वेश्चन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा? नहीं, आपसे पूछेगा फला आर में, फला आर में करंट बताइए। मोस्टली तो दे देते हैं I1 I2 दे दिए कहीं दो जगह, अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। और अगर नहीं दिए हैं तो अपने मन से जितने सेल्स हैं उन सेल्स के लिए आपको I1 I2 I3 एक्सेप्ट करना होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें करंट नहीं दिया है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए ऐसा। करंट का मतलब ये तो पता होगा ना कि जितने मेस है, जितने सेल है, हर सेल के लिए करंट होगी, या जितने मेस है उन मेसेज में करंट का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लेते हम डिस्ट्रीब्यूशन ना ले तो हम कह देते कि दिस इज अ सर्किट गिवेन, सेंस द करंट इन वेरियस वेरियस आर्म, या कहते हैं कि पॉइंट्स ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और उस केस में हम करंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देख सकते हैं। दिस शीट तो अपलोड है इसमें, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उसमें देखिए, 99% प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपको करंट I1 I2 आइडेंटिफाई, डिफरेंट आर्म में नहीं दिया है लेकिन आपको करंट I1 I2 जस्टिफाई कर दिया। आप जंक्शन से आप किरचॉफ करंट ला अप्लाई कीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कितने क्लोज मैचेस हैं, अकॉर्डिंगली उससे इक्वेशन बनेंगे। जैसे मैं कहता दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, 10 ओम एंड दिस इज 20 ओम। हरी ओम घर पे है, दिस कुछ नहीं दिया है। हमसे कह रहा है कि देयर इज अ पॉइंट एम एंड एन, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस एम एन। तो अब तो करंट भी नहीं है, वोल्टेज अक्रॉस
Mn, आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक सेल से I1 लेके चल सकते हैं, दूसरे सेल से I2, या आप ऐसे कर सकते हैं कि पूरे इस सर्किट में ये देख लीजिए, पूरे सर्किट में आप ये देख लीजिए कि हायर ईएमएफ कौन है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स होंगे जो हायर ईएमएफ होंगे वो करंट प्रोवाइड करेंगे, जो लोअर ईएमएफ होंगे वो बदले में चार्ज होंगे, तो आपको डिफरेंट सेल से डिफरेंट करंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे सोच सकते हैं कि हायर ईएमएफ तो अगर 20 वोल्ट है या 10 और 20 में, तो आप करंट ले लीजिए किससे, से 20 वोल्ट सेल इज गिविंग द करंट आई वन आई से, अब ये आई यहां पहुंचेगा, इस आई में से कह दीजिए से आई वन ये ले गया, एंड से आई वन माइनस आई ये ले गया, हमने हायर ईएमएफ वाले की करंट कंसीडर कर ली। आप लोअर ईएमएफ वाले की करंट भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपके नेगेटिव आएंगे, क्योंकि जो हायर ईएमएफ होगा वो करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो लोअर ईएमएफ होगा वो करंट लेके चार्जिंग मोड में चला जाएगा, तो जो चार्जिंग मोड में होंगे वो करंट दे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं, और जो डिस्चार्जिंग मोड में होंगे वो करंट दे रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप हायर ईएमएफ से करंट ले लीजिए और डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वापस उसके कैथोड पर पहुंचिए, और अगर एनोड से आई करंट लेके चले थे तो उसके कैथोड पर वापस आई आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस सर्किट में 10 वोल्ट और 20 वोल्ट का दो सेल रखा, इस 10 और 20 में 20, हाँ बोलिए, 20 वोल्ट सर, वीडियो बहुत ब्लर हुआ है, कैमरा ऐसा तो मेरा कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं किया, 4K ले ही नहीं रहा इसमें, अब दूसरे कैमरे के लिए अभी बजट नहीं है, ये मेरे कंप्यूटर में वेल क्लियर है, आप अपने उसकी सेटिंग देखिए, फिलहाल हम चेंज करके दिखा रहे हैं, लेकिन मैं डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ। हेलो सर, सच में ब्लर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, हम सेटिंग देख रहे हैं अभी, देखिए देखिएगा थोड़ी देर में अपीयर होगा, या तो सर थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, वो जो लिख रहे हैं आप नंबर बड़ा लिख देंगे तो आटेगा कैसे, इक्वेशन हुआ एक सर, चश्मा लगाइए और बाइनोकुलर लेके बैठिए, अगर थोड़ा भी बड़ा लिखना शुरू करेंगे तो जो है हम इक्वेशन और कहाँ बनाएंगे, मान लेते हैं बड़ा तो हम कर दे रहे हैं लेकिन इक्वेशन बनाने में दिक्कत होगी हमें, क्योंकि वो जहाँ डायग्राम रहेगा वही जो है, क्या हुआ क्लियरनेस बढ़ा? हाँ थोड़ा थोड़ा सर, एक मिनट रुक जाइए और देख रहे हैं। सर फोन को कैमरे से नहीं होता है, होता है फोन के कैमरे से, इतना कॉल आता है निश्चय नहीं ले पाएंगे, जो अभी लगेगा तब तक कैसे लगेगा बजने, फोन से भी होता है, फोन से दिक्कत नहीं। हाँ सर अब ठीक है, और ठीक है हाँ अभी और क्लियर हो गया, मेरे कंप्यूटर में सिर्फ दिखता है बोर्ड पर जो भी हम लिख रहे हैं वो मुझे दिखता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो ठीक है। यहाँ ये 20 वोल्ट हो गया, फाइव मैं कह रहा हूँ कि हायर ईएमएफ वाले से करंट लेके चलिए, हम आई लेके चले, आई लेके आप पहुंचे से आई वन इज गोइंग दिस आर्म, तो रेस्ट ऑफ द आई माइनस आई वन इसमें आ जाएगा, नाउ आई माइनस आई वन यहाँ आ जाएगा, आई माइनस आई वन यहाँ आ जाएगा, आई माइनस आई वन यहाँ आ जाएगा, नाउ आई वन यहाँ से आई माइनस आई वन और आई वन एड होते ही इसमें हो जाएगा आई और यहाँ हो जाएगा आई, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट, कैसे एनोड से आई लेके चले थे और कैथोड पर आई का कलेक्शन हो गया, इसका मतलब है करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट। अब हमारे पास दो मेस है, हम उन दो मेसेज में चलने की डायरेक्शन देख लें, से इसमें हम चल रहे हैं लाइक दिस, ऐसे कोई एक सर्कुलेशन पूरा कीजिए आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से, और इसमें हम चल रहे हैं से दिस, ये किसी एक का नाम मेस वन रख लीजिए, किसी एक का नाम मेस टू रख लीजिए, मेस वन में जब एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो जितने भी करंट इन रेजिस्टेंसेस हैं उनको चेक कीजिए, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है विद अ करंट आई, यहाँ एक रेजिस्टेंस है विद अ करंट आई वन, रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी आपको आई आर दो मिलेगा,
एंड एक सेल मिलेगा इन मेश वन आप 20 वोल्ट, यहाँ करंट इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा 5i, यहाँ करंट इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा 10i इज इक्वल टू 20। साइन कंसीडर कीजिए, साइन कंसीडर ये है 5 ओम में करंट की डायरेक्शन और हमारी ट्रेवलिंग डायरेक्शन मैच्ड है, पॉजिटिव। 10 ओम में करंट की डायरेक्शन और हमारी ट्रेवलिंग डायरेक्शन मैच्ड है, प्लस। एंड ईएमएफ का 20 वोल्ट का डायरेक्शन और हमारी ट्रेवलिंग मैच्ड है, प्लस। देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज 5i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। सर आई होगा ना, सर आई होगा ना, 5 से डिवाइड किए। अच्छा 5 से डिवाइड किए हैं, हाँ ठीक है, गणितिया कमजोर है नू। तो यहाँ हमारे पास 5 से डिवाइड किए तो 1 जा, 2 जा एंड 4 जा, सही है। आ रही है मैथ 2 में, इन मैथ 2 अगर मैथ 2 में आया तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट आई माइनस आई वन है, रेजिस्टेंस 20 है, 20 हो जाएगा आई माइनस आई वन करंट इनटू रेजिस्टेंस। एक सर्कुलेशन पूरा करना है, जितने आई आर मिलेंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस एक तरफ, बाद में साइन कंसीडर करेंगे, जितने सेल मिलेंगे दूसरी तरफ। तो एक करंट इनटू रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, एक करंट इनटू रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, करंट इज द आई वन एंड रेजिस्टेंस इज द 10 आई वन एंड सेल, सेल इज ऑफ वैल्यू 10 वोल्ट, 10। साइन कंसीडर कीजिए, 20 ओम में आई माइनस आई वन जो है कहाँ गया, 20 ओम में आई माइनस आई वन की डायरेक्शन और हमारी ट्रेवलिंग मैच्ड है, पॉजिटिव हो गया। 10 ओम में करंट की डायरेक्शन है दिस और हमारी ट्रेवलिंग है दिस, मिसमैच्ड, अच्छा नहीं, मैं मैच करा रहा हूँ, नहीं मैच कर रहा है, मिस्टर मैच्ड। और जब आप मैच कराओगे, नहीं मैच करेगा तो मिसमैच्ड, तो ये मिस्टर मैच्ड हो गया, तो अकॉर्डिंगली अनमैच्ड हो गया, तो अकॉर्डिंगली ये देखिए मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हमें लेना होगा नेगेटिव। आ जाइए 10 पे, 10 वोल्ट के ईएमएफ के डायरेक्शन और हमारी ट्रेवलिंग डायरेक्शन मैच्ड है, तो इट इज पॉजिटिव। ओपन कर देते हैं इसको, तो आपको मिलता 20i माइनस 20i1 माइनस 10i1 दैट इज माइनस 30i1 इज इक्वल टू 10। नाउ इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2i माइनस 3i1 इज इक्वल टू 2, 10 से डिवाइड करें तो जाएगा 1, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अकॉर्डिंगली आई और आई वन का आपके पास एक इक्वेशन ये है, आई और आई वन का एक इक्वेशन ये है, इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपको आई और आई वन मिल जाएगा। हमने आपसे एम एन में वोल्टेज पूछा था, एम एन में वोल्टेज पूछा था, अकॉर्डिंगली अगर एम एन में वोल्टेज पूछा था तो हमारे पास करंट है इसमें आई वन, रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो 10 आई वन विल बी द आंसर। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी दिया है तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। और एक आध एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर अब आपको प्रैक्टिस करनी है, फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, तो जो नहीं सॉल्व होगा तो उसका हम इक्वेशन बना देंगे, देख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल इज मोस्ट फेमस, कुछ ऐसा आता है, say it is given that I1 current is here and say it is given as I2 current is here, ऐसे दे दिया और इनके EMF दे दिया कुछ ऐसे 5 volt 10 volt 5 ohm 10 ohm and 30 ohm
कुछ ऐसे दे दिया, नाम लिख दिया ए बी। अभी कह रहा है करंट इन ए बी आर्म बताएं, ठीक है, वैल्यू ऑफ द करंट इन ए बी आर्म, या कह रहा है आपसे कि आई वन और आई टू की वैल्यू बताएं। तो अब इसमें देखिए, इसमें तो दिख रहा है कि ये अगर आई टू करंट दिया है इन नोड से, तो आई टू रिकलेक्ट करेगा, यानी आपको इस आर्म में करंट दिख रही है आई टू। इसी तरीके से ये दिख रहा है कि आई वन यहाँ आया है, फिर से होते हुए आई वन इधर निकल जाएगा, यानी आपको दिख रहा है कि इस आर्म में आई वन करंट है, इस आर्म में आई टू करंट है, इसमें नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप बी पर हाथ रखिए, अगर बी पर हाथ रखेंगे तो यहाँ आपके पास हो जाएगा आई टू इधर से आया है, आई वन इधर निकल गया है, इसका मतलब है इसमें करंट हो जाएगी आई टू माइनस आई वन। दोबारा देख लीजिए, आई टू आ रहा है, आई वन इसमें चला गया, तो जो बचा वो इसमें चला जाएगा, दैट इज आई टू माइनस आई वन। ये बी से पाए तो करंट इज आई टू माइनस आई वन फ्रॉम बी टू ए, या आप इस ए पर हाथ रख लीजिए, ए पर हाथ रखेंगे तो आई वन आया है में से आई टू चला गया, तो जो बचेगा वो हो जाएगा आई वन माइनस आई टू। दोनों एक ही चीज है, देखिए ये आई टू माइनस आई वन है बी टू ए, और ये अगर आई वन माइनस आई टू लिखेंगे तो डायरेक्शन पलट जाएगा, देखिए आई वन माइनस आई टू फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है किसी एक जंक्शन पे हाथ रख के करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए या इसको, दोनों एक ही चीज है। तो अगर हम इसको ना एक्सेप्ट करें, अगर इसको एक्सेप्ट करें तो आपको दिख गया करंट इज नाउ फ्लोइंग, कोई एक एक्सेप्ट कर सकते थे, इस जंक्शन से लेते तो आपको करंट ये मिलती, उस जंक्शन से लेते तो करंट ये मिलती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक एक्सेप्ट कर लीजिए। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इससे दिस इज द करंट आई वन माइनस आई टू, दिस इज द करंट, दिस इज द करंट, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास फिर दो मेस हो गए, एक मेस आपके पास हो गया दिस वन, और एक मेस हो गया आपके पास दिस वन। इन दो मेसेज के लिए फिर से आप इक्वेशन जनरेट कर लेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मल्टीप्लाइड इन करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन अ गिवन मेस। अगर हम इसको मेस वन कहने वाले हैं तो एक सर्कुलेशन हम ऐसे पूरा कर ले, ऐसे दिस 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 एंड दिस दिस, ये देखिए एक सर्कुलेशन ऐसे हम पूरा करेंगे कॉल्ड मेस वन, एक सर्कुलेशन इसमें पूरा कर लीजिए एज अ मेस टू। मेस टू दिस, अगर मेस वन में हम एक सर्कुलेशन पूरा कराएं तो 10i1 20i माइनस i2 इज इक्वल टू 5, मीन्स 10i1 इन मेस वन, 10i1 20i1 माइनस i2, 20i1 माइनस i2 5 वोल्ट। साइन कंसीडर करिए, 10 में करंट i1 और हमारी सेलिंग मैच्ड है पॉजिटिव, 20 ओम में करंट i1 माइनस i2 इज दिस और हमारी ट्रेवलिंग इज दिस मैच्ड है प्लस। आप ही सोचो अगर ये वाला लिए होते तो नॉट मैच्ड तो यहां माइनस लिखते, क्या फर्क पड़ता, वो अपने अपना साइन एडजस्ट कर लेता। ये है 5, ये हो गया 5 वोल्ट और हमारी ट्रेवलिंग मैच्ड है तो इट इज पॉजिटिव। नाउ ठीक कर लीजिए, 10 और 20 30 i1 माइनस 20 आई टू इज इक्वल टू 5, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 6 आई वन माइनस 4 आई टू इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेस वन के लिए। मेस टू में आइए, मेस टू में करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल इन मेस टू, इन मेस टू करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज 5i2, करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज द 20i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इन मेस टू दो बार आपको करंट रेजिस्टेंस लिखना होगा और एक आपको सेल दिख रहा है तो उस सेल का ईएमएफ दूसरी तरफ लिखना होगा। साइन कंसिडरेशन में आइए,
फाइव में करंट आई टू की डायरेक्शन और हमने जो ट्रेवलिंग डिसाइड की है इज मैचिंग, तो इट इज पॉजिटिव. 20 में करंट की डायरेक्शन और मैच टू में हमारी ट्रेवलिंग नहीं मैच कर रहा है, मिस्टर मैच, सो हियर इट इज नेगेटिव. एंड 10 वोल्ट में ईएमएफ की डायरेक्शन और हमारी ट्रेवलिंग मैच्ड है, दिस इज पॉजिटिव. तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी आई वन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 एंड 5, 25 आई टू इज इक्वल टू 10, चाहिए तो 5 से डिवाइड करके रखिए. माइनस 4 आई वन प्लस 5 आई टू इज इक्वल टू 2, आपके पास फिर दूसरा हो गया. तो इस तरीके से आप डिफरेंट मेथड्स कंसीडर करते हैं, देख लेते हैं सभी आर्म में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है. अब मेथड्स में एक चक्कर पूरा करने पर I into R एक तरफ इकट्ठा करते हैं, EMF सब एक तरफ इकट्ठा करते हैं, ट्रेवलिंग से मैच्ड करंट को उस रेजिस्टेंस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव कहते हैं, और अगर करंट को रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके ट्रेवलिंग के अगेंस्ट करंट है तो उस IR को नेगेटिव कहते हैं. इसी तरह सेल का EMF ट्रेवलिंग से मैच्ड है तो प्लस कहते हैं, नहीं मैच्ड है तो माइनस कहते हैं. इक्वेशंस मिल गए, लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं, क्वाड्रेटिक तो मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ इनको सॉल्व करना आसान है. मल्टीप्लायर एडजस्ट कर लीजिए, ऐड करिए, कैंसिल करिए और इस तरह से आपको मिल जाएगा. आ जाइए व्हीट स्टोन ग्रीस. गोइंग टू प्रूव दैट पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर. जैसे कैपेसिटर में आपने देखा था C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, तो नो करंट इन द वन ऑफ द डायगोनल और उस डायगोनल के कैपेसिटर को छोड़ देते थे तो आपको सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होती थी. इन अ सेम वे हम यहाँ रेजिस्टेंस के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज को प्रूव करके दिखा रहे हैं. व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ ब्रिज दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज इन अ रेगुलर आर्म ऑफ आई स्क्वायर, जिसमें 2 डायगोनल बनेंगे. 4 रेजिस्टेंसेज को स्क्वायर में ऐड करते चले गए, 2 डायगोनल जनरेट हुआ. एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा दिए, दूसरे डायगोनल में सेल लगा दिए और अब इस पे एडजस्टमेंट करके देख रहे हैं. तो जरा हम सर्किट पूरी कर लें. हमारे पास 4 आर्म्स हैं एज अ रेजिस्टेंस आर्म्स, एज अ रेगुलर आर्म्स ऑफ आई स्क्वायर. ये देखिए हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ एडजस्ट कर दिया. सर्किट पूरी हो गई. अभी 2 डायगोनल जनरेट हुआ, दिस एंड दिस. एक डायगोनल में सेल लगा दीजिए आप, दिस एंड दूसरे डायगोनल में आप गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज. अब इन 4 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को एडजस्ट करना है. से दिस वैल्यू इज पी, से दिस वैल्यू इज क्यू, से दिस वैल्यू इज आर, से दिस वैल्यू इज यस. व्हेन ये करंट दिया, ये करंट यहाँ पहुंची, डिस्ट्रीब्यूट होके वापस यहाँ आ जाएगी. तो आप देखेंगे अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आई हो जाएगा. अब आपको पता था ये एंट्रिंग हो गया, ये लीविंग हो गया. एंट्रिंग पर हाथ रखे तो दिस बाई दिस, लीविंग पर हाथ रखे दिस बाई दिस. When this by this become equal to this by this, current entering और current leaving के perpendicular वाले arm में कोई current नहीं होती. Means there is no any current in the galvanometer. और अगर galvanometer में current नहीं है तो आपको पता है आप इसको हटा सकते हैं. Accordingly ये दोनों series में हो जाएंगे, ये दोनों series में हो जाएंगे, फिर ये total parallel हो जाएगा. तो equivalent resistance of whole network को डिटरमाइन करना आसान हो जाता है जब ये वाली आर्म हट जाती है, एंट्रिंग और लीविंग के परपेंडिकुलर वाली आर्म. ये वाली नहीं हटेगी ये वाली, क्योंकि ये वाली आर्म तो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगी, ये वाली आर्म पोटेंशियल डिफरेंस नहीं शो करती है. तो हमें प्रूव करना है कि अगर हमने 4 रेजिस्टेंसेस का एक ब्रिज बनाया एज अ रेगुलर आर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक डायगोनल में सेल ऐड कर दिया, दूसरे डायगोनल में गैल्वेनोमीटर ऐड कर दिया, तो एंट्रिंग पर हाथ रखे तो P/R, लीविंग पर हाथ रखे तो Q/S.
when P by R is equal to Q by S, there is no current in the galvanometer. This is called balanced Wheatstone breeze. और balanced Wheatstone breeze में आप galvanometer वाली arm को हटा सकते हैं. Future में galvanometer वाली arm की जगह capacitor, resistor या inductor लगा होगा, कोई मतलब नहीं होगा उस आर्म का, क्यों? क्योंकि उस आर्म में करंट ही नहीं है, तो उस आर्म को हटा लेंगे आप. तो अब हमें प्रूव करना है P by R is equal to Q by S is a condition of balanced Wheatstone breeze. Or P by Q is equal to R by S. Entering, leaving, this by this, equal to this by this, no current in this arm. This by this, is equal to this, no current in this arm. Entering or leaving का परपेंडिकुलर आर्म करंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तब इस कंडीशन को हम Wheatstone ब्रिज कहते हैं. और ये तब होता है जब रेजिस्टेंस के रेशियो मैच करते हैं, यानी P by Q is equal to R by S. तो हमें प्रूव करना है P by Q is equal to R by S, then no current in the galvanometer. चलिए हम मान ले रहे हैं कि से देयर इज करंट IG इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि कोई भी अगर डिवाइस करंट ले रहा है, तो दिस मींस दैट ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस. तो यहाँ आर जी हमारे पास रेजिस्टेंस है. हाँ हेलो, अच्छा ठीक है, चेयर ले लो, बैठो, अभी आ रहे हैं तो बाइक हटा रहे हैं. तो हमने बस इतना किया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एक्सेप्ट कर लिया से आर जी. अवर एम इज टू प्रूव दैट व्हेन पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस और पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, देर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर. नाउ ये तो Wheatstone हुआ. अब आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए. से आई करंट जब यहाँ पहुंची, तो से आई वन करेंट इसने ले लिया एंड से आई टू करेंट इसने ले लिया, से ठीक है. एंड आई वन जब यहाँ पहुंची, यहाँ तो I1 में से IG इसने ले लिया, तो जो बचा वो I1 माइनस IG इस आर्म में चला गया. ठीक है, जाने दीजिए, I1 माइनस IG यहाँ पहुंच गया, होल्ड कर लीजिए. ये IG इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो करके यहाँ पहुंचा IG, जबकि उसी टाइम पर ये I2 यहाँ पहुंचा I2, जंक्शन पे ऐड हो गए. इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है. तो इस आर्म में जो करंट होगा वो जाएगा I2 प्लस IG. ये हो जाएगा I2 प्लस IG. नाउ इधर से आया है I1 माइनस IG और इधर से आया है I2 प्लस IG. ऐड कर दीजिए, I1 माइनस IG में I2 प्लस IG ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा I1 प्लस I2. और यहाँ I was splitted in I1 and I2 and here I1 and I2 is collecting together to give the overall current I. दिख रहा है, I को स्प्लिट किया I1 I2 में, यहाँ कलेक्ट टुगेदर हो गई डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, अकॉर्डिंगली यहाँ आपको मिलेगी नेट करंट आई. इस तरीके से हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया इन द Wheatstone ब्रिज. बहुत से क्लोज सर्किट बनेंगे, इसमें से आप दो एक्सेप्ट कर लीजिए. एक सर्कुलेशन आप ले लीजिए दिस, ये क्योंकि हमको रेजिस्टेंसेज में रिलेशन चाहिए, तो एक सर्कुलेशन आप ले लीजिए दिस. ये देखिए दिस 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 एंड दिस, एक सर्कुलेशन पूरा, दिस इज मेस वन. और आप एक सर्कुलेशन ये ले लीजिए दिस 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 एंड दिस, ये दिस इज द मेस टू. इसको मेस टू कह लीजिए, ये आपको मिल रहा है एट द मेस टू. इन्हीं दोनों से हमारा काम हो जाएगा. मेस वन में एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो करेंट इंटू रेजिस्टेंस, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, करेंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल. सेल है ही नहीं सामने, दैट इज जीरो. मीन्स इन मेस वन आई वन पी, अभी हमने साइन नहीं कंसिडर किया है, आई जी आर जी आई टू आर इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल जीरो. साइन कंसिडर कर लीजिए. करेंट आई वन इन पी has the same direction as we have the traveling. Accordingly, it is positive. आ जाइए यहाँ. IG in RG and our traveling matched. So, this is positive. And आ जाइए I to R. The direction of current in R is not matching with our traveling direction. देखिए, हम travel कर रहे हैं ऐसे और current in R आ रही है ऐसे. Not matching. So, this is negative. ये आपको मिल गया मेस वन का
मेष वन के लिए केवीएल आपको मिल गया। आ जाइए मेष टू में, अगर मेष टू में हम एक सर्कुलेशन पूरा कराए तो करंट इनटू रेजिस्टेंस हियर, करंट इज आई वन माइनस आई जी, रेजिस्टेंस इज क्यू, करंट इनटू रेजिस्टेंस हियर आई टू प्लस आई जी इनटू एस, करंट इनटू रेजिस्टेंस एंड हियर आई जी आर जी, आई जी आर जी इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल। इस पूरे सर्कुलेशन में कोई सेल नहीं मिला है, अकॉर्डिंगली ई एम एफ इज जीरो। आज ये साइन कंसिडरेशन क्यू में जो करेंट है आई वन माइनस आई जी और हमारी ट्रेवलिंग मैच्ड, एस में करेंट इज दिस और हमारी ट्रेवलिंग इज दिस नॉट मैच्ड, दिस इज नेगेटिव। Current in G, that is IG, is this. And our traveling in mesh 2 is this. That is IG is this. And the traveling line is this. Arrow reverse hai. Accordingly, ho gaya minus. Ye aapko mil gaya mesh 2 ka equation. Chaliye hum keh rahe hain, let IG is equal to 0. Say, hum keh lete hain, IG is equal to 0. और अब इसको उठा के वन और टू में पुट करते और देखते कि IG is equal to zero का क्या मतलब है। IG means current in galvanometer, zero का मतलब not flowing, means there is no current in the galvanometer, उठा के रखिए mesh one में या equation one में। तो let IG is equal to zero, तो from equation one ये हो जाएगा आई वन पी, ये जीरो हो जाएगा, माइनस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो, यहां से मिल जाएगा आई वन बाई आई टू, आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, जब आई टू इधर करेंगे तो जाएगा आर बाई पी, आर बाई पी, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और आई जी इज इक्वल टू जीरो को पुट करिए इक्वेशन टू में, अगर इक्वेशन टू में पुट करें तो कैसा दिखेगा फ्रॉम इक्वेशन टू, ये फोर मार्क्स में आता है डिराइव करने के लिए, बाकी तो हम लोग इसका कैपेसिटर में एप्लीकेशन देखे हैं, वही एप्लीकेशन रेजिस्टेंस में भी है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दिए होंगे तो उनको हम वीट स्टोन में कन्वर्ट करेंगे, वीट स्टोन में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है, अगर बैलेंस निकला तो हम एक आर्म को पूरा हटा सकेंगे, आर्म को हटाते ही हमें इफेक्टिवली सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस दिखने लगेगा और हम पूरे नेटवर्क का एक सिंगल रेजिस्टेंस इजिली पा सकेंगे। वैसे इस साल न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा इस पर आपको, आपको किरचॉफ वोल्टेज ला किरचॉफ करंट ला पर ही मिलेगा। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल इस साल सस्पेंड किया गया है, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल इस साल सस्पेंड किया गया है, तो आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। तो टू में आ जाइए, टू में अगर हम यहाँ आए तो आई जी जीरो पुट करना है, तो हो जाएगा आई वन इन टू क्यू, यहाँ आई जी जीरो पुट करेंगे तो आई टू एस माइनस आई टू एस और आई जी जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा आपको आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू आई टू इंटू एस, ठीक है, आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू एस बाई क्यू, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन इक्वेटिंग थ्री एंड फोर। अगर हम थ्री और फोर को इक्वेट करें तो आई वन बाई आई टू ये भी है, आई वन बाई आई टू ये भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर आपको मिलेगा R by P is equal to S by Q, ठीक है, P उधर कर दीजिए, S इधर कर दीजिए, R by S is equal to P by Q, प्रूव हो गया, P by Q is equal to R by S, no current in the galvanometer, this by this is equal to this by this, no current in this arm, या this by this is equal to this by this, no current in this arm, यानी हमने प्रूव किया, if P by Q is equal to R by S, there is no current in the galvanometer. This is called balanced Wheatstone breed. अब हमें देखना है इसका application क्या है। इसका पहला application आपके syllabus में as a practical as well as theory है, that is meter breed. Actually में इस adjustment का utilization एक जगह और होता है। इस adjustment का use हम रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को ढूंढने में करते हैं। हमारे पास पी क्यू और आर नोन रेजिस्टेंस होते हैं और एस एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, एक डायगोनल इसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं
स्क्वायर के फॉर्म में, एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, दूसरे डायगोनल में सेल लगा देते हैं। अब अगर एस की वैल्यू जाननी है तो पी क्यू और आर को तब तक अरेंज करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है तो इन रेजिस्टेंसेस के लिए रिलेशन होता है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। पी हमने सेटल किया, क्यू हमने सेटल किया, आर हमने सेटल किया, तो पी क्यू और आर की वैल्यू नोन है, एस की वैल्यू नोन नहीं है। तो जब करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो होगा तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होगा। पी हम लैब से रख देंगे, क्यू हम लैब से रख देंगे, आर हम लैब से रख देंगे। नाउ ऐसा करते ही पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस से एस की वैल्यू निकल जाएगी। ये मेजरमेंट हम जिस एपरेटस के थ्रू करते हैं दैट इज कॉल्ड अ मीटर ब्रीज। मीटर ब्रीज इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रीज। तो अब हम लोगों को देखना है मीटर ब्रीज क्या है, कैसे काम करेगा, और इस पर जो मेजरमेंट होंगे वो कैसे करेंगे, इसके प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में हैं। तो यहाँ हमारे पास है मीटर ब्रीज। मीटर ब्रीज का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, क्योंकि दिखा रहा है टाइम 2 मिनट और रह गया है लेक्चर, तो आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो नेक्स्ट डे में हम आपको उसका वर्किंग लैबोरेटिकल मेजरमेंट और न्यूमेरिकल डिस्कशन दिखाएंगे। एक्चुअली में मीटर ब्रीज में एक 1 मीटर का वुडन प्लैंक होता है, ये 1 मीटर लकड़ी का पटरा होता है, 1 मीटर लंबा डेस्क, ठीक है। इस पर एक मीटर स्केल लगी होती है 1 मीटर लॉन्ग डेस्क, ये इस तरीके से 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की 1 मीटर स्केल लगी होती है। इसमें 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स होती है, 2 L शेप की होती है और 1 स्ट्रेट होती है। जो पहली मेटेलिक स्ट्रिप L शेप की होती है वो यहाँ होती है With three screws, one, two, three, और एक L shape की metallic strip इस पे tight होती है here, with three screws, 1, 2 and 3, और एक metallic strip यहाँ होती है with three screws, this and this, इसको बोलते हैं first air gap, इसको बोलते हैं second air gap, और एक एलॉय नॉट अ प्योर वायर मिक्स्ड वायर होता है, उसको हम कनेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। दिस इज अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में एक वायर होता है यूरेका मैग्नीन कॉन्सेंटन नाइक्रोम, 1 मीटर लंबा अलोंग साइड मीटर स्केल, 2 L शेप मेटलिक स्ट्रिप्स होती हैं कनेक्शन स्क्रूज के साथ, एंड एक हमारे पास ये होता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करें तो इसको ए कहते हैं इस पॉइंट को, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं और इसको डी कहते हैं। मीटर ब्रिज में इसको ए कहते हैं, ये इसको सी कहते हैं, बी नहीं होता, इसको सी कहते हैं और इसको डी कहते हैं, दिस, ठीक है। मीन्स पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब हमें देखना है कि हाउ दिस कैन बी कनेक्टेड इन सच अ वे कि इक्विवेलेंट जो है इसका एक व्हीटस्टोन होगा। लेक्चर कटने वाला है, मिलेंगे नेक्स्ट डे में, तब तक ले लेते हैं ब्रेक। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।